योर सब्जेक्ट इज सर्वेइंग, ठीक है? तो सब सर्वेइंग आपका ये सब्जेक्ट है और ये काफी जरा वास्ट है, तो आप सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. किसी भी कोई भी कोई प्रोजेक्ट होता है या कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने वाली होती है या स्टार्ट होने से पहले, सो सर्वेइंग इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. सो फर्स्ट सर्वेइंग का जो सिलेबस है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ. तो ऑब्वियसली सर्वेइंग में आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा कुछ. इसमें आपके मैप्स जो होते हैं, जो जियोलॉजिकल मैप जो आपके होते हैं, और आपका सर्वेइंग का हिस्ट्री क्या है, मतलब सर्वेइंग कहाँ से स्टार्ट हुई और वो कैसे डेवलप हुई फेज बाय फेज. देन आप उसमें मैपिंग कैसे करोगे, देन उसमें जो मैप्स आप करते हो तो उसमें उसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी. ओके, देन आपका जो स्केलिंग जो होती है सर्वेइंग में, वो स्केल आप कैसे डिफाइन करोगे. देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे. ओके, सो इसकी क्लासिफिकेशन. देन आपका जो कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट्स है सर्वेइंग में, जो आप जब साइट पे जाते हो तो आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हो, तो उसमें चेन्स आती हैं, रेंजिंग रोड्स आती हैं. तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है बेसिक बेसिक जो आप सर्वेइंग में यूज करोगे. देन देयर इज अ कंपास सर्वे, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ सर्वेइंग. देन उसके बाद प्लेन टेबल सर्वेइंग. तो ये आपका पूरा जो सर्वेइंग का जो सब्जेक्ट है, ये आपका पूरा बेस्ड है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के रिगार्डिंग. और ऑन साइट, जब आप साइट पर जो वर्क करते हो, आपको किसी भी एरिया का, कोई भी आपका लैंड है, आपको उसका एरिया कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट. और कोई भी आपको चीज कंस्ट्रक्ट करनी है, आप कहाँ पे कितनी दूरी पे कितनी हाइट पे और कितनी डेप्थ तक उसको कर सकते हो, और कितनी विड्थ, उसी जो पूरी डायमेंशन है वो आप निकाल सकते हैं. सो यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री एंड यूनिट फोर. सो दिस सिलेबस ऑफ सर्वेइंग इज कंप्लीटली ब्रीफ्ड अबाउट एवरीथिंग एल्स दैट शुड बी इम्पोर्टेंट. सो अभी मैं आप लोगों को एक सर्वेइंग के बारे में एक सिंपल सा मैं बता देता हूँ कि सर्वेइंग बेसिकली है क्या चीज. व्हाट इज सर्वेइंग, सर्वेइंग क्या है? तो सर्वेइंग इज जनरली द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ अ लैंड एरिया स्पैन. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि सर्वेइंग है क्या चीज. आपको कोई भी किसी भी चीज का पूरा लेआउट प्लान बनाना है, या आपको किसी चीज, जैसे हम साइट पे जो लोग होते हैं, जो साइट इंजीनियर होता है, वो नॉर्मली क्या बात करता है कि फरमाइश करना है ना, नॉर्मली हम बोलते हैं फरमाइश करना. तो सर्वेइंग एक फरमाइश की तरह ही है. वैसे फरमाइश को डायमेंशन को कैलकुलेट करना बोलते हैं, या किसी भी चीज का डायमेंशन करना बोलते हैं. लेकिन सर्वे क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जहां पर हम कोई प्रोजेक्ट या कोई रोड या कोई हाईवे या कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर हम वहां बना रहे हैं, तो उससे पहले एक प्रॉपर टाइप का सर्वे होता है. और वो सर्वे करने के बाद भी हम डिसाइड कर पाते हैं कि वहां पर ये स्ट्रक्चर या ये प्रोजेक्ट हम वहां पे इन्वॉल्व कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं. सो देर आर सम काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ सर्वे. सो देर सम कैटेगरीज ऑल्सो, दैट्स लाइक जियोडेटिक सर्वे. सो जियोडेटिक सर्वेइंग जो होता है वो आपका काफी बड़ा एरिया है वहां पर आप यूज करते हैं. मेनली आपके दो तरह के सर्वेइंग जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं. एक आपका होता है जियोडेटिक सर्वेइंग और आपका होता है कि प्लेन सर्वेइंग, ठीक है? तो प्लेन सर्वेइंग आप वहां करते हो जहाँ पे आपका एरिया कम होगा. अब एरिया पूछा जाएगा, तो एरिया आपका 225 स्क्वायर मीटर से कम का जो एरिया होगा वहां पे आप प्लेन सर्वेइंग करेंगे. ये आपका नॉर्मली, एक आपने सुना होगा जैसे एक प्रॉपर सर्वे होता है कि आप काफी ऊंची हाइट पे जाते हैं, या आपका जो एरोप्लेन है वहां पे बैठ के कुछ इंजीनियर्स वगैरह, या कोई हेलीकॉप्टर है वहां पे पूरा एरियल व्यू देखते हैं.
ठीक है। सो तो एरियल व्यू जो होता है वो आपका इसी सर्वे में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी जैसे इसमें सिलेबस में काफी सारी चीजें, जैसे शुरू में आपका है कि मैप्स वगैरह आप कैसे करेंगे, मैपिंग कैसे करेंगे, फिर आपका हिस्ट्री आता है सर्वेइंग का। तो आपका इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना, इसमें आपका सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स और इसकी इंपॉर्टेंस है सर्वेइंग की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वेइंग है क्या चीज, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर मैं इसको बोलूं डायरेक्टली, सो यू कैन से इट इज द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस, डायरेक्शंस एंड एलिवेशंस। सो सर्वेइंग क्या है कि आपका अर्थ पे किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका आपको एक तरह का मेजरमेंट चाहिए, या वो डिस्टेंस से रिलेटेड हो सकता है, या उसकी आपको डायरेक्शन चाहिए, मतलब वो नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, या उसका जो एंगल है वो कितने एंगल पे है, या एलिवेशन जो है वही सेम चीज, कितने एलिवेशन पे है वो। सो दैट यू वी कॉल इट अ सर्वेइंग। सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। फर्स्ट वन इज वी कैन से दैट इज लोकेटिंग अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय एटलीस्ट टू रेफरेंस पॉइंट्स। तो आपको कोई भी सर्वे स्टार्ट करने से पहले आपको कोई भी दो रेफरेंस पॉइंट लेने पड़ेंगे, उसके बिना आप सर्वे नहीं कर सकते हैं। एक सिंपल सी मैं आपको बताऊं कि अगर आपको किसी चीज का मेजरमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। एक सिंपल सी बात है, आपको जो एरोप्लेन है, जो एयरप्लेन है, वो आपको स्काई में ऐसे दिखता है कि बहुत धीरे चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है ना। तो उसकी स्पीड ज्यादा है एक्चुअल में, बट हम नीचे से अगर स्काई को देखते हैं तो वो काफी धीरे धीरे चलता हुआ दिखता है। वो ऐसा क्यों है? वो इसलिए ऐसा है क्योंकि हमारे नेकेड आई की तरफ से कोई एक रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि उस स्पीड को चेक किया जा सके, या लेटी मोशन, राइट। सो ये एक तरह का क्या है कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, तभी आप एक बार चेक कर सकते हैं कि उसकी स्पीड आप कैसे मेजर करेंगे। तो जैसे आप हाईवे पे देखेंगे तो हाईवे पे आपको उस गाड़ियां स्पीड पे क्यों दिखती है? इसलिए दिखती है क्योंकि आप एक रेफरेंस पॉइंट आपके पास है काफी सारे, अभी उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा है, ठीक है। सो फर्स्ट वन मैंने बता दिया कि लोकेटिंग अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय एटलीस्ट टू रेफरेंस पॉइंट्स। सेकंड वन इज वर्किंग फ्रॉम हॉल टू द पार्ट। दिस टाइप ऑफ प्रिंसिपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का जो सिस्टम है इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक कंट्रोल पॉइंट्स फिक्स करने पड़ते हैं। उसका क्या मतलब होता है कि आपने कुछ पॉइंट्स फिक्स कर दिए, जैसे एक आपका रेक्टेंगल शेप में कोई चीज है, कोई आपका एरिया है, आपको उस एरिया का मतलब, या इरेगुलर शेप में कोई एरिया है आपको उसका मेजरमेंट करना है, तो आप कैसे करोगे? उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करोगे, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। अगर आपके पास लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स है या आपके पास लिमिटेड इक्विपमेंट्स है, तो आप उस केस में क्या करते हो, आप थोड़ा थोड़ा करके उसको डिवाइड करते हो, फिर उसको एक साथ मिला के और फिर आप उसको कैलकुलेट करते हो कि इस लैंड का इतना एरिया है, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड वन। अब आपको कुछ बुक्स में तीन भी मिल जाएंगे, कुछ बुक्स ये भी रेफर करते हैं कि तीन प्रिंसिपल्स है, लेकिन वो इन दोनों को ही तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। तो इसमें एक कंफ्यूज नहीं होना कि सर उस बुक पे तो तीन लिखे हुए हैं, आपने सिर्फ दो बताए, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल दो ही हैं। उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। तो फर्स्ट वन मैंने आपको पहले बताया कि जियोडेटिक सर्वेइंग। तो जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, इस केस में आपका जो अर्थ का जो कर्वेचर है, हम उसको कंसिडर करके ही सर्वेइंग करते हैं। जैसे हम किसी आपका जो ग्लोब है उस ग्लोब को देखेंगे कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, हाँ चलो ठीक है यहाँ पे ये हो गया, तो उसको हम कंसिडर करके हम अर्थ को कर्वेचर मानेंगे कि हाँ वो सच में कर्वेचर है, ठीक है। और या फिर क्या कहते हैं उसको, स्फेरिकल, उसको हम स्फेरिकल मानेंगे तभी उसको हम कंसिडर करेंगे। लेकिन जो प्लेन सर्वेइंग है, प्लेन सर्वेइंग में क्या होगा कि हम अर्थ के जो कर्वेचर है या जो उसका इफेक्ट है कर्वेचर का, हम उसको नेगलेक्ट करके चलेंगे
और उसके बाद हम उसको सर्वे करेंगे। अब इसमें कुछ लिमिटेशन है आपकी सर्वेइंग में, जैसे जियोडेटिक जो सर्वेइंग है उसमें जो आपका जो एरिया जो है वो सबसे मतलब जैसे आपका काफी बड़ा एरिया है। अब एरिया जो आपका रहेगा कि अगर आपका 250 स्क्वायर किलोमीटर या कुछ बुक्स में 225 भी लिखा हुआ है, कुछ कुछ बुक्स में 245 लिखा है, कुछ बुक्स में 250 लिखा है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि कोई एग्जैक्ट कोई फिगर है कि सर 225 ही होना चाहिए क्या, नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेटली मतलब 250 या 260 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वहां पे आप प्लेन सर्वेइंग को यूज कर सकते हैं। और अगर उसका जो एरिया वो ज्यादा है उससे तो देन यू विल यूज जियोडेटिक सर्वेइंग। और जियोडेटिक सर्वेइंग का एक और सिमिलर नेम है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आपकी आती है मैप्स। तो मैप्स तो सबने देखा होगा, जैसे आपका ये जियोलॉजिकल मैप जो आते हैं, जियोग्राफिकल मैप्स आते हैं, आपने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा, उसमें आपने मैपिंग करी होगी स्टेट्स की, आपने देखा होगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ओशियंस हैं, कौन कौन से आइलैंड है कहाँ पर, आपने वो सब करा होगा। आपने कभी ये नोटिस करा उसके राइट हैंड साइड में सबसे बिलो में एक रेशियो लिखा होता है ना, एक स्केल लिखा होता है, हमेशा देखा होगा कि ये स्केल है, मतलब 1:1000, 1:100, ठीक है, या 1:10 ऐसे लिखा होता है। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि उस मैप की स्केलिंग की गई है। स्केलिंग कैसे, कि अगर कोई 1 किलोमीटर का सेक्शन है, जैसे कोई 1 किलोमीटर का सेक्शन है, तो 1 किलोमीटर के सेक्शन को हमें मतलब पूरे मैप में दिखाना है, ठीक है। तो मैप में कैसे दिखाओ, यू तो है नहीं यार कि आप पूरे 1 किलोमीटर का मतलब सेक्शन बनाओगे वो कितना बड़ा हो जाएगा। तो आपको उसको आप एक स्मॉल स्केल में कन्वर्ट करते हो, जैसे मुझे 1 किलोमीटर सेक्शन को मैंने 1 मीटर मान लिया या 1 सेंटीमीटर मैंने मान लिया, ठीक है। तो उसका जो अलाइनमेंट है, मैंने 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो मैं उसको मैप में ड्रॉ कर सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर का जो सेक्शन है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। तो यू कॉल इट स्केलिंग, ठीक है, और ये मैप्स में होता है। तो मैप्स को अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूँ तो हाउ आई विल से दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ स्मॉल स्केल इज कॉल्ड अ मैप एंड इट इज कॉल्ड प्लान ऑफ द स्केल इज लार्ज। ओके, सो अगर किसी भी मैप का एक सिंपल सी बात है, मैप तो हमेशा लार्ज ही होता है। पहले पुराने जमाने में क्या होता था, जो मैपिंग करते थे कि उसमें क्या करते थे, वो एक पत्थर सा होता था, उसमें क्या करते थे, वो ऐसे ड्रॉ कर देते थे कि यहाँ पे ये पहाड़ हैं, यहाँ पे ये नदियां हैं, ऐसे सीनरी टाइप बनाते थे उसमें, है ना। तो उसमें क्या करते थे, वो सीनरी बना के पहाड़ बना दिया, यहाँ पे ये जगह बना दी, यहाँ मिट्टी बना दी, यहाँ पे ये खड़े कर दिए हाथी घोड़े और ये। तो वो एक स्मॉल स्केल पे एक अपना छोटा सा एरिया डिफाइन करते थे कि ये चीज यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे है। लेकिन टाइम के साथ साथ ये सारी चीजें चेंज होती गई और नई नई जो स्केलिंग है, नई नई जो मैपिंग है वो आती रही। तो अभी हमारे पास जो मैप्स का जो क्राइटेरिया है वो यही है कि हमारे पास पूरा मैप हम बना सकते हैं किसी भी एरिया का, लेकिन हमें इसे उसकी स्केलिंग करनी पड़ती है। अब स्केल को आप कैसे डिफाइन करोगे, हाउ यू डिफाइन डिफाइन इट, दैट इज फिक्स्ड रेशियो दैट अ डिस्टेंस ऑन मैप बियर्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड स्केल, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे को 10 मीटर का कोई सेक्शन है, 10 मीटर का, तो मुझे वो डिफाइन करना है भी मैप में कहाँ है। तो मैं उसको 1 सेंटीमीटर मान ले कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर का है। आप जब जब आपको मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि लैब की जो वर्चुअल क्लास है वो आपको इजीली बता पाऊँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो कैसे यूज करने हैं, उनका क्या क्या यूज है, वो आगे आगे मैं बताऊंगा। एक मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, आपके सिलेबस में प्लेन टेबल सर्विंग आएगा। तो प्लेन टेबल सर्विंग क्या होता है, आपकी एक प्लेन टेबल होती है, प्लेन टेबल के ऊपर आपके आसपास कुछ भी जो चीज बनी हुई है आप उसको अपने प्लेन टेबल या उसके ऊपर जो चार्ट होता है आप उसके ऊपर उसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। वो आपको ड्रॉ कैसे करना है, तो आपको डिस्टेंस मेजर करना है भी, यहाँ से आपकी टेबल से लेकर उस ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस है। तो ये जो प्लेन टेबल सर्वेइंग है ये बहुत पुराना तरीका है, ठीक
एक लेआउट प्लान बनाने का। पहले क्या होता था कि जो ड्राफ्टमैन जो होते थे वो ड्राफ्टमैन क्या करते थे, प्लेन टेबल सर्विंग यूज करते थे, लेकिन प्लेन टेबल सर्विंग यूज करने में एरर्स भी बहुत आते थे कि भाई ये इतना डिस्टेंस हो गया। अब वो डिपेंड करता कि टेम्परेचर वेरिएशन पे, कहीं बारिश आ गई गलती से और आपने जहाँ पे वो पॉइंट, एक पॉइंट आपने चूज किया था वो पॉइंट तो मिट गया, आपने चाहे उसको मार्क किया हो चाहे कुछ करा हो लेकिन वो गया। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं ये पहले यूज होती थी, लेकिन अब एक नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे आपको अगर प्रैक्टिकल जो लास्ट में जो मैं कराऊंगा, एक टोटल स्टेशन कराऊंगा, तो टोटल स्टेशन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्यूरेट, ओके। और आप अपने पूरे कैंपस का उसमें सर्वे कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज है, क्या लोकेशन है, कहाँ पे कौन सा स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, वो आपकी जो रोड जो है, आपकी हाईवे जो है, जो कैंपस के अंदर, यहाँ पे कोई भी आपका जो एरिया जहाँ पे रहते हैं वहां पे कितनी रोड का सेक्शन है, कितना उसका लेंथ है, उसकी वहां पे जो मीडियन जो है वो मीडियन कितना है, ओके। मीडियन मतलब होता है जो आपका सेंटर वो जिसको बोलते हैं, जहाँ पे दोनों रोड्स आपकी डिवाइड रहती है। तो ये खैर ये बात की बात है। तो अभी अभी के लिए आप इतना ध्यान रख लो कि मैंने पहले क्या बताया, एक तो सर्विंग, व्हाट इज सर्विंग, सेकंड वन की द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विंग, थर्ड वन दैट द टाइप्स ऑफ सर्विंग, मेन प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग, देन द मैप्स एंड द स्केल। एक एक और वर्ड आता है जो बहुत कम जो साइट इंजीनियर्स हैं उनको ये पता होता है, ये प्रोनंसिएशन करने में बहुत डिफिकल्ट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये इसका है रिकनेसेंस, रिकनेसेंस, RECONNAISENCE, रिकनेसेंस। रिकनेसेंस क्या होता है कि ये एक तरह का साइट इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक सर्वे किया जाता है, तो वो सिर्फ आंखों देखी सर्वे होता है। मतलब जैसे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, भाई हाँ यहाँ पे हमने देख लिया, अच्छा यहाँ पे ये चीजें हैं, अच्छा ठीक है, हम मतलब कल आएंगे और इस पे एक सर्वे स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ मेथड, ठीक है। तो ये एक रिकनेंस सर्वे इसको बोलते हैं, या फिर इन शॉर्ट फॉर्म आप बोलते हैं साइट इंस्पेक्शन। सो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया अंडरटेकन बिफोर सर्वे वर्क ऑफ दैट एरिया इज प्लान। तो वही चीज है जो मैंने अभी हिंदी में आपको बताया, इट इज सेम थिंग। अब आपकी कुछ चीजें आती हैं, जैसे मेथड्स आते हैं कि आपको मैप्स में स्केलिंग कैसे करनी है, ठीक है। फिर आपके एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है जिसे दिस कॉल्ड RF, सो ये भी अलग चीज है। तो आपको ये चीज एक इसमें आता है न्यूमेरिकल स्केल्स, कई स्केल होते हैं आपके, इंजीनियर स्केल होते हैं, ठीक है। और जैसे आपके पास जो एक नॉर्मल जो स्केल है जो आप फुट्टा यूज करते हैं, वो सिंपल स्केल होता है, वो नॉर्मल स्केल, बिल्कुल नॉर्मल स्केल, ठीक है। उसमें आप देखते हो कि एक साइड आपकी सेंटीमीटर्स होते हैं और एक तरफ आपके इंचीज होते हैं, ठीक है। अगर आपको इंचीज को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसको एक तरफ आपने रखा और आपने देख लिया भाई यहाँ तक इतना इंच है, यहाँ तक इतना सेंटीमीटर है ना। तो ऐसे ही एक तरह का इंजीनियर स्केल होता है, वो एक अलग तरह का स्केल होता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। वही चीज उसमें कई कई तरह की चीजें होती है, जैसे उसमें स्लाइंटिंग हाइट्स में लिखा होता है कि इतने मीटर का है और इतने सेंटीमीटर का है, इतने ये है, ठीक है। तो यही चीज है। उसके बाद आपका ग्राफिकल स्केल, ग्राफिकल स्केल भी अलग अलग टाइप्स में डिफाइंड है। जैसे मैंने बताया कि प्लेन स्केल जो है, तो प्लेन स्केल ही एक तरह ग्राफिकल स्केल में उसका टाइप है। फिर डायगनल स्केल आता है, फिर स्केल ऑफ कॉर्ड्स, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा है ना, इसमें एक स्केल मूवेबल होता है और एक स्केल फिक्स्ड होता है ना। फिजिक्स में आपने प्रैक्टिकल किया होगा कि वर्नियर कैलिपर जो होता है, फिजिक्स में पहले पढ़ा होगा है ना, तो ये वही तरह का स्केल है। अच्छा, अब इसके बाद आपका आता है एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या चीज है, आपको एक जो मैप का जो डिस्टेंस है, एक मैप में जो डिस्टेंस है उसको आप एक फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, और यू कैन से इट इन टेक्निकल टर्म्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन।
सो आप उसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वही चीज मैं बोला कि बोलते ना कि 1 in 10, 1 in 100, 1 in 500, सो दैट इज द सेम थिंग. सो हाउ विल यू डिफाइन इट? इट इज द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू द कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. सो इसमें कोई यूनिट नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान रखना. दिस इज यूनिटलेस टोटली, क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो ऑब्वियसली ये यूनिटलेस ही रहेगा.